एसोसिएट टीम्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने हम लेकर आए हैं, तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट होगा जो भी सच में एसोसिएट क्रिकेट को पसंद करते हैं, एसोसिएट टीम्स को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि एसोसिएट क्रिकेट बेहतर तरीके से राइज करे और थोड़े से सीरियस रहते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप पूरा सुनना चाहें तो आपसे बहुत बड़ी एक सपोर्ट होगा आपके कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। बाकी आप जिन्हें इतना पसंद नहीं है वो चाहे तो जो ओकेशनल्स हैं वो चाहे तो छोड़कर जा सकते हैं, डेफिनेटली आपको और भी कुछ काम होंगे। खैर यहाँ पर बात करें अगर एसोसिएट टीम्स में एक दिक्कत आपने देखी होगी जो सीरियस एसोसिएट को फॉलो करते हैं, एक चीज देखी होगी वो है कि टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो बेहतर कर पाती है। बिल्कुल सर जी, बेहतर कर पाती है। आप अगर ऐसे कई सारे इंस्टांस हमने देखा है जहां पर बॉलर्स ने एसोसिएट के काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है बड़े प्लेटफॉर्म पे भी। वाकई ऐसा नहीं कि बस अपने आपस में ही या छोटे छोटे किसी क्वालिफायर में, नहीं, और कोई क्वालिफायर छोटा नहीं होता, सॉरी से सब एक क्वालिफायर में बड़े रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे छोटी छोटी नदियां एक जाकर एंड समुद्र में मिलती हैं। खैर तो एसोसिएट टीम्स में खाली ऐसा नहीं कि छोटे छोटे जगहों पे ही, आईसीसी इवेंट पे भी, बड़े बड़े आईसीसी इवेंट पे भी बॉलर्स का एसोसिएट का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग में बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। ऐसा क्यों है, यही सवाल का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। इसीलिए हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। बैटिंग में बहुत ज्यादा लैग करती है टीम्स, अगर वो आपस में खेल रहे हो तब भी ऐसा होता है, और आज में खेल रहे हो किसी बड़ी टीम के खिलाफ तब तो और भी ज्यादा ऐसा होता है। उस वजह से, एक डिपार्टमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो आप वर्ल्ड का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, और उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल अभी हुआ जो हमने T20 वर्ल्ड कप 2022 में देखा, स्कॉटलैंड, नामीबिया और UAE के साथ जो ग्रुप स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाए, तीनों का ही एग्जांपल यहां बात करेंगे, साथ में नेपाल, नेदरलैंड्स और PNG, ओमान, UAE, इन सब की बात भी करेंगे और जो बाकी एसोसिएट टीम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टेंस रहे हैं जहां पर बॉलिंग इतनी शानदार रही है लेकिन बैटिंग ने हमेशा लेट डाउन किया है एसोसिएट टीम्स को। बैटिंग अगर बॉलिंग एसोसिएट टीम्स को दो पायदान कदम आगे लेकर जाती है तो बैटिंग तीन कदम पीछे ले आती है, दो कदम भी नहीं, तीन कदम पीछे ले आती है, क्योंकि एक तो आपके साथ हार लाती है, साथ में एक एम्बैरेसमेंट भी लाती है सच में कि ये टीम 130 चेज नहीं कर पाई, कैसी टीम है। पहले तो आप हारे, फिर उसके बाद ये भी सुनो कि ये कैसी टीम है, बिल्कुल एक एम्बैरेसमेंट फील होती है। इसका सोल्यूशन क्या है उस पर जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एंड कुछ इंस्टेंस आप समझाएं कि ऐसा कब कब हुआ है, कितना हुआ है, हाल ही बात करें 2022 की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, पीछे जाएंगे जब से एसोसिएट का आना चालू हुआ 1990 या 2000, तब से बहुत एग्जांपल है, उससे भी पहले से, बिल्कुल उससे भी पहले से है। लेकिन अगर अभी प्राइम देखें भाई, अभी लिविंग मूवमेंट जो है मॉडर्न की बात है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर देखें जैसे कि अभी आप एग्जांपल उठा लीजिए, अभी इसी वर्ल्ड कप को थोड़ा पीछे पीछे चले जाएंगे, इस वर्ल्ड कप से पीछे होते हुए जाएंगे, वर्ल्ड कप में अभी देखिए नीदरलैंड ने चेस किया, नीदरलैंड ने चेस किया, टारगेट रखा, स्कोर भी दिया, 112 रन बनाने हुए क्या हालात हुए, 122 बनाते हुए क्या हालात हुए। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जिस तरीके से वो चेस करने के लिए उतरे थे, 70 रन एक प्लेयर ने मारे और कुछ रन बनाने के लिए पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, ये बहुत एग्जाम्पल था। नामीबिया, वहीं पर अगर आप देखेंगे नामीबिया के बॉलर्स ने किस तरीके से स्ट्रगल कराया नीदरलैंड को, जी हाँ। अब ये देखिए वहीं पर अपना नामीबिया को उठाकर देख लीजिए, कितनी ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज बैटिंग रही है, एक दो प्लेयर चलते हैं 30-35 मारते हैं तो टीम 140 तक पहुंचती है, बिल्कुल, तो टीम 140 तक पहुंचती है, 150 तक पहुंचती है, और एंड यूएई के खिलाफ 148 चेज नहीं हुआ, देख लीजिए यूएई के खिलाफ, जिनके खिलाफ आप ये काफी नहीं खेल रहे हैं, काफी आप खेल चुके हैं, और एवरेज स्कोर उस ग्राउंड में। अच्छा चलिए, अब लोग कहेंगे कि भैया ग्राउंड भी शायद स्लो हो जाएगा, स्पिन फ्रेंडली हो जाएगी, कटना चालू हो जाएगी, नहीं सर ऐसा नहीं है, ग्राउंड का बोथ इनिंग में एवरेज स्कोर हो जाता है 160 का। हॉबार्ट और जिलोंग की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर वो मैच हुए थे, वहां बैटिंग देखिए यूएई की तो एकदम ही पकवास बैटिंग हुई थी उस पूरे सीरीज, और यूएई की बैटिंग से उम्मीद भी ऐसी ही थी, बिल्कुल यहां पर और ज्यादा खराब। आखिर बैटिंग से क्यों, बैटिंग से उम्मीद ऐसी क्यों थी, बॉलिंग से हमेशा से हमने कहा और आप सब भी ये मानते हैं कि यूएई की जो बॉलिंग है वो काफी बेहतर है बैटिंग के मुकाबले में, आज की तारीख में बात करें उसमें रोहन ने तो और कमजोर हो गई बैटिंग, तो बैटिंग में दिक्कत है। आप देखिए तीनों ही टीमें अपनी बैटिंग लैकनेस की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। अगर आप देखेंगे आप नामीबिया को देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ देखिए ना, नीदरलैंड को भी देखिए, कल बांग्लादेश के खिलाफ 145 चेज नहीं हुए, आप खुद सोचिए उससे भी 65 रन एक प्लेयर के उसको हटा दीजिए तो बाकी टीम 70-80 के अंदर पैकअप हो गई और अब टीम ऑल आउट हुई है। आपको बता दूं टीम ऑल आउट हुई है, 9 रन से बांग्लादेश वो मैच जीता था।
ये छोटे छोटे मैच आप सोचिए, यहाँ पर अगर एक टीम बांग्लादेश को हरा, नीदरलैंड बांग्लादेश को हरा देती तो कितना जबरदस्त एक एक्सपोजर होता नीदरलैंड के लिए, एसोसिएट्स के लिए, कि एक टेस्ट नेशन को यहाँ पर हरा और खास करके सुपर ट्वेल्व स्टेज में हरा पहले अपने पहले मैच में, कितनी बड़ी बात होती, लेकिन हार गए तो वो सब कुछ खत्म। जी हाँ, यही चीज किसकी वजह से हुआ, ये बैटिंग लाइन बिल्कुल से बिल्कुल, बॉलिंग इतनी अच्छी कराती है एशियन टीम्स, लेकिन अब यहाँ नेपाल की तरफ हम चले हैं। आप देखिए आर्यन को उन्होंने 125 पे ऑल आउट कर रो पचास और वन क्वार्टर सीरीज में ग्लोबल क्वालिफायर से पहले इस साल खुद 101 पे ऑल आउट हो गए, करा दिया ना बैटिंग में फजी है, एम्बैरेसमेंट हुई कि नहीं हुई। आप 125 रन भी जेज नहीं कर पा रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ, जो अभी 3-4 साल पहले आप ही के साथ एसोसिएट मेंबर थी, जो अब कहीं ना कहीं बनी है, जो टेस्ट के लिए आते तो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेली है वो हटा दे तो अभी भी वही व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके लिए आपसे ज्यादा नंबर जरूर हो गया है। उसके बाद आप केन्या गए, केन्या में 94 रन के अंदर पूरी कंप्लीट केन्या के खिलाफ 32 रैंक की टीम के खिलाफ एक 13-14 रन की टीम का जो है, और ऐसा नहीं है कि चलिए हाँ एक आध बार हो जाए, ऐसा होता है फिर आप कह सकते हैं हो जाता है, तो आप फुल नंबर जैसे फुल नंबर कभी कभार हो जाता है, साउथ अफ्रीका 87 ऑल आउट हो गई कभी कभार हो जाता है, हैबिट नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर एशियाड्स में क्या देखते हैं, आए दिन कई सारे मैचेस में देखते हैं ओडीआई में भी T20I में भी, कि एक बार में तो 250 चेस कर लिए, उसके बाद 3-4 बार 210 चेस नहीं हुए, 180 चेस नहीं हुए, T20 में 150 चेस नहीं हुए, ये लगातार होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं फिर आप 2022 में अभी इसकी बात कर ले, टॉप 50 जो लोएस्ट स्कोर है T20Is में उसमें 49 एसोसिएट टीम्स के हैं, बताइए सिर्फ एक फुल मेंबर का है और वो है साउथ अफ्रीका का 87, और वो 87 तक लोएस्ट स्कोर है। अंडर 100 की आप बात करेंगे तो लगभग सारी एसोसिएट टीमें अंडर 100 कम से कम एक नहीं क्योंकि दो दो बार शायद आउट हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बात मैं बड़ी एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी बहुत ज्यादा ये फैलाया गया, वाह क्या हुआ राउंड वन, क्या हुआ राउंड वन, क्या हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ, हिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये भूल गए कि बैटिंग क्या इतनी कमजोर है, इतनी गिरी हुई बैटिंग है, इतने सालों से जो टीम अपने प्रोग्रेस में लगी हुई है नीदरलैंड लगी हुई है, यूएई लगी हुई है, क्या इतनी आज भी 2022 में आकर इतनी भी बैटिंग नहीं है कि एक बड़ा स्कोर करे और सामने वाली टीम को बस 40-50 रन से हरा दे। बिल्कुल, और सामने वाली टीम में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, सामने वाली टीम भी आप ही के कैलिबर की है, नामीबिया और यूएई, जी हाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी अगर हम इस बात पे खुश होंगे अरे टक्कर देखने को मिला, मजा आ गया, पूरा एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ, लेकिन स्कोर क्या था 130 श्रीलंका के खिलाफ कर दिया, श्रीलंका के खिलाफ स्कोर टांग दिया उन्होंने, लेकिन वही बैटिंग अचानक से दो मैचों में फ्लॉप हो गई, कहां चली गई, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी एक ही टूर्नामेंट में उसी ग्राउंड। यही अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने कि ऐसा नहीं कि ओकेशनल, ये रेगुलर बेसिस पे एशियन टीम्स में हो रहा है, इसका फिर सोल्यूशन क्या है। नेपाल के भी ऐसा है, नेपाल का तो बैटिंग में और बुरा हाल है, ऐसा नहीं कि और बुरा हाल है, बाकी सब भी उसी में नेपाल ने आउट किया था उन्हें, बताइए इतनी अच्छी बैटिंग और वहां पर ढेर हो गए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कई सारे ऐसे मैचेस है जहां से आपको जबरदस्त एक्सपोजर मिलता, खूब फेम मिलता, खूब ज्यादा होती टीम की और आपको फायदा भी होता, लेकिन आपकी बॉलिंग ने तो किया, बैटिंग ने आपकी पूरी लुटिया डुबो दी और आप एम्बैरेसमेंट के शिकार हुए, साथ साथ में हार के शिकार भी हो गए। इसका सोल्यूशन है क्या है, सीधे मुद्दे पे आते हैं बिना देर। बिल्कुल, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मोस्टली टीम उन्हें हायर करती है, मोस्टली टीम्स उन्हें अपना हेड कोच या असिस्टेंट कोच हायर करती है जो बॉलर्स होते हैं, एसोसिएट्स की बात करें, एसोसिएट्स की, हां बिल्कुल से बॉलर्स को वो अपने साथ जोड़ लेते हैं और पूरा थ्रू आउट द एयर वो बॉलिंग कोच से समझते हैं कि ये हमें बैटिंग सिखाएंगे, बिल्कुल ये हमें बैटिंग सिखाएंगे। और अब सब आप समझेंगे कि अरे यार अभी तो गैरी कश्चन को अनाउंस किया नीदरलैंड ने, ऐसे क्यों बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, जोनाथन ट्रॉट को तो पिछले साल स्कॉटलैंड ने किया था, आप झूठ बोल रहे हो, डेली क्रिकेट झूठ बोल रहा है। सर टाइमिंग देखिए, वर्ल्ड कप में एक हफ्ता बचा है, अनाउंस होता है स्कॉटलैंड की तरफ से कि जोनाथन ट्रॉट बैटिंग कोच अनाउंस हुए, नीदरलैंड का 2 दिन बचा है वर्ल्ड कप का, अनाउंस क्या हो रहा है, गैरी कश्चन अनाउंस होते हैं। तो इसका मतलब कल जो नीदरलैंड 144 चेज नहीं कर पाया वो गैरी कश्चन सर की वजह से। अच्छा अच्छा, बस
ये एग्जांपल है इन सब चीजों का। पूरे थ्रू आउट द ईयर दो तीन सालों में कौन संभालेगा? बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल, एलबी मॉर्कल, धमिका प्रसाद, बॉलिंग ऑलराउंडर, बस बॉलिंग ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर सर आ गए यहाँ पर नेपाल में। तो अब बॉलिंग कोच कैसे बता देगा भाई कि इस कंडीशन में ऐसा बैटिंग करो, उस कंडीशन में ऐसा बैटिंग करो, 10 पे 4 हो गए तो इस फेस में, क्यों वो बता ही नहीं सकता? उसका तो बॉलिंग फेस है, वो तो इस बॉलिंग में बता देगा। अच्छा बॉलिंग चार से बड़ा चैंपियन कोई नहीं, 10 पे 4 है, अच्छा 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 अब ऐसे करना है कि 50 पे टीम ऑल आउट हो जाए। बिल्कुल ये बात है। और मोस्टली हम क्या देखते हैं कि बैटिंग कोच नजर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब एसोसिएट्स टीम्स को बैटिंग कोच को भी प्रायोरिटी देनी शुरू करनी होगी, इंपॉर्टेंस देना होगा। अब ये वक्त आ गया है कि प्लीज आप बैटिंग कोच की तरफ भी ध्यान दें। उस रोल को इतना इजी मत समझे कि अरे बैटिंग तो हेड कोच चला ही लेंगे, सब कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। इस पे कैसे कैसे के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अब आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में एक मौका अगर चला गया आपका इतनी आसानी से नहीं आने वाला होता, वो मौका अच्छा था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी बात आता है, क्योंकि ये जमाना सोशल मीडिया का भी है, वो एक अलग से सरदर्द होता है। तो क्रिकेटर्स प्लेयर्स या फिर जितने भी लोग हैं वो जितना भी कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से वगैरह वगैरह, या फिर उसे वो फर्क पड़ता है, वो क्लियरली पड़ता है। वो काइल क्वार्टजर के से भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में लिखा रहा, तो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग से आपके सामने रखेंगे जरूर कभी अगर वक्त हुआ तो। खैर तो ऐसा नहीं है कि फर्क किसी को नहीं पड़ता, फर्क सबको पड़ता है, सामने सब कैमरे के सामने दिखाते हैं कि कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन क्रिकेट की जहां तक बात है तो आप डेफिनेटली प्लीज इंपॉर्टेंस बैटिंग कोच का भी समझिए। ये सारी अच्छी टीम्स को मैं खास करके कहना चाहूँ, खास करके ओडिया स्टेटस वाली टीम्स को, क्योंकि आप बाकी अच्छी टीमों से थोड़ा ऊपर पाए हैं, आपके पास थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा है, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा है, तो प्लीज उसका इस्तेमाल करिए। बैटिंग कोच की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करिए, क्योंकि सारी टीमों की बैटिंग आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करिश्मा करती है जिसको देखकर हैरानी होती है कि यार ये इसको टीम नहीं कर पाई, इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया देखती तो देखती रह जाती है लेकिन आप कर नहीं पाए। अब इसके बाद सेकंड एक फेस और है, बैटिंग कोच आपने हायर कर लिया, मान लिया आपने बैटिंग कोच हायर कर लिया, उसके बाद क्या 2-2.5 महीने या 5 महीने तक क्रिकेट ना खेलकर, या ये आप सोचे यार छोटी टीमों के खिलाफ खेलकर क्या होगा, हमें तो बड़ी बड़ी टीमों से खेलना था, तो वो तो आती ही नहीं है, अब क्या? बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, अच्छी तरह समझा देंगे हम। अब देखिए नामीबिया ने बुलाया, अब आप सोचेंगे कि अच्छा, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि मैचेस प्रोवाइड कराने का, नामीबिया ने बुलाया, बहुत मैचेस करवाए नामीबिया ने, T20I के लिए खूब प्रैक्टिस की इस साल, करवा दिया, लेकिन ना वहां पर बैटिंग कोच निर्धारित है, वो तो है ही नहीं कोई ऐसे कोच जो बता सके कोई अच्छा करा सके, बिल्कुल से। और फिर उसके बाद अब आप समझेंगे कि इतने मैचेस खेलकर नामीबिया को क्या हो गया भाई, नामीबिया ने तो पहला रीजन बैटिंग कोच गायब है, स्कोर तो होगा नहीं, बनेगा नहीं इतने बड़े टूर्नामेंट में। दूसरा मैच यहाँ क्या आ जाता है, चलिए ठीक है हमने इतने मैच करवा दिए, आपके बैट्समैन है जिन्होंने रन करना नहीं सीखा, बिल्कुल आपके बैट्समैन है, वहां बैट्समैन का फॉल्ट आ जाएगा, पूरा ब्लेम आएगा, ऊपर बोर्ड ने आपको गेम दिया, बोर्ड ने बैटिंग कोच नहीं दिया वो एक गलती थी, लेकिन मैचेस दिए लेकिन फिर भी प्लेयर नहीं सीखे उससे, वो बैट्समैन की गलती है, वहां सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन का फॉल्ट है। अगर आपने बैटिंग कोच भी अच्छा प्रोवाइड कराया है, आप रेगुलर मैचेस भी करा रहे हैं, तो फिर सीधा सीधा अगर दोस्त किसी को जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की बनती है कि वो अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, शायद आप बहुत जल्दी उन्हें ऊपर लेवल पर ले आए हैं, तब आप प्लेयर स्पिन की बात कर सकते हैं, ना आपने बैटिंग कोच रखा। अब यहाँ पर एक चीज और है, नामीबिया का पिछले साल की अगर बात 2021 की हम बात करें, तो जब वो सुपर 12 में गए तो वहां पर उनकी बैटिंग वापस स्ट्रगल करने लगी, बस देखिए, और जब वो ग्रुप स्टेज में थे वहां पर उनका सामना नीदरलैंड से हुआ, आयरलैंड से हुआ, और मेरे ख्याल से कोई एक और टीम श्रीलंका से हुआ, श्रीलंका के सामने 90 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है टीमों के साथ कि आप ग्रुप स्टेज पहुंचे लेकिन वहां पर ओपोनेंट कैसा था नहीं था वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप बैटिंग कोच को हायर कर नहीं रहे। अब सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए बड़ी टीमें आपके खिलाफ खेलने नहीं आ रही हैं, आपको थोड़ा कंपटीटिव क्रिकेट चाहिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? लास्ट बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए उसके लिए फर्स्ट क्लास टीमों को बुलाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए कोई बोर्ड है, कोई एसोसिएट बोर्ड है नेपाल नामीबिया ओमान, वो अगर नेशनल टीम को बुलाएंगे तो खर्चा आएगा 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रियल में नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन अब आप सोच कर देखिए, ये तो बेसिक सा सवाल है कि क्या अगर हम फर्स्ट क्लास टीम को बुलाएंगे तो क्या अभी तो भी 10 लाख रुपए खर्चा आएगा? जी ये समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम नहीं बुला रहे, फिर भी हम प्रोवाइड नहीं करा रहे 1.5 महीना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ डेली क्रिकेट, आपसे ये नहीं कह रहा हर हफ्ते मैच करा, बिल्कुल भाई हम भी समझते हैं एसोसिएट का बहुत बजट का बहुत इश्यू होता है, लेकिन 1 महीने में क्या एक बार नहीं हो सकता कि 5 दिन के लिए वो आके यहाँ खेल जाए और काम चले और बेहतरीन सीखने को मिले? अरे यार मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप 50 ओवर का 5 गेम्स भी रखते हैं बस,
3 महीने रखिए, साल में 4 बार आप किसी बड़ी टीम के फर्स्ट क्लास या उनकी जो ए टीम है उनको बुलाकर साल में 4 बार अगर आप 20-50 ओवर गेम भी खेलते हैं इनके खिलाफ, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखिएगा। और महीने का छोड़िए, यहाँ 2.5-3-3, 6-6 महीने से बैठे हैं। और जब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उससे ठीक 15-20-25 दिन पहले 2 T20 आई करा रहे हैं, बिल्कुल बिना बैटिंग कोच, बिना किसी प्रॉपर बैटिंग कोच की नदारत। कोई कोई तो लास्ट टाइम में फेंक देता है, अरे भैया बैटिंग कोच गैरी कस्टन, ये वो जॉनाथन ट्रॉट पिछले साल स्कॉटलैंड, बस रिजल्ट क्या निकला पहले ही बाहर हो जाओ। तो यही है कि आप इतना मत सोचिए कि हमें बल्टी में खिलाफ खेलना है, उसके खिलाफ खेलना है, उसके खिलाफ मैचेस करा लीजिए। ये तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है जो ये नहीं सोचते कि फर्स्ट क्लास टीमें भी होती हैं, ए साइड होती है, बी साइड भी होती है, आप उनको भी बुला सकते हैं, उनके खिलाफ आप कंपेटिटिव 50 ओवर गेम्स खेल सकते हैं अपने, और उसके साथ आप बैटिंग कोच को डालो करेंगे, यानी कि मैच खेलते चले गए तो बैटिंग कोच तो है ही नहीं टीम में, नेपाल के साथ हुआ है इस साल इतने सारे मैचेस खेले, कोच 3 कोच बदल गए, लगभग 2 कोच बदल गए, लगभग बदल गए, और उसके बाद वो बैटिंग कोच तो खैर उसमें है ही नहीं, तो टीम को स्किल मिला नहीं। अगर बैट्समैन को कुछ प्रॉब्लम है कि सर मुझे कुछ पूछना है तो हेड कोच शायद बॉलर के साथ बिजी है या किसी भी टीम में बिजी है या कहीं और बिजी है, किसी प्लेयर के साथ बिजी है, वो बेचारा ऐसे ही रह गया, टाइम अप हो गया, 4 घंटे हो गए, कैंप खत्म, अगले दिन आना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको अच्छे टीम्स को अपनी बैटिंग को बेहतर करने की जरूरत है। कई ऐसे इंस्टेंस आए हैं कि बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग बहुत अच्छी, लेकिन बैट्समैन ने वो मौका, एक्सपोजर, वो पैसा या कुछ भी मिलना था वो आपने यहां तक आया जिस टीम के चले गए। नामीबिया के साथ हुआ इस वर्ल्ड कप में, आपने श्रीलंका वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उसके बाद आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन कर दिया, और आप नीदरलैंड का हुआ जहां वो ऑलमोस्ट बांग्लादेश को हराने वाले थे और उनके मुंह से निवाला छिन गया, क्यों, एक पुअर क्वालिटी की बैटिंग को देखते हुए जो कभी कभी चलती है लेकिन ओकेशनली बैकफायर ही करती है। सोचिए जरूर, बहुत हार्श वीडियो है, बहुत है, जिसे हम शुरू में कहा था जो सच में ऐसे क्रिकेट को कंसर्न समझते हैं, जिनको पसंद करते हैं वो इस वीडियो को समझ पाएंगे। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि अभी तक अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद जरूर आया है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, यहाँ पर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, ताकि वो भी सुन के समझे कि हाँ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, किस तरह से ऐसे ठीक किया सकता है, वो भी एक सोल्यूशन हमने आपके सामने रखा है। बाकी आप हमें कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, या कोई भी चीज़ हो, आप हमें ईमेल के थ्रू हमें ईमेल कर सकते हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।